हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप? चलिए स्टार्ट करते हैं अपना ब्लॉग। आज का मेरा ब्लॉग है, मैं जल्दी जल्दी रेडी हो गई हूँ क्योंकि मैं दी के घर जा रही हूँ, क्योंकि आज मम्मा मेरी फैमिली आने वाली है, मेरी मम्मा मेरी दादी। मैं इस वजह से बहुत खुश हूँ क्योंकि मेरी दादी आ चुकी है, क्योंकि वो वैसे तो आती नहीं है, लेकिन दीदी का बेबी हुआ है तो इस वजह से वो आई हैं उससे मिलने के लिए स्पेशली। बहुत टाइम बाद वो निकली हैं, वरना वो कभी नहीं आती हैं। ये मेरी मम्मा है और ये देखिए हमारी क्यूटी परी, अपनी नानी से मिलने के लिए कैसे दौड़ी दौड़ी चली आ रही है। ये देखिए हमारी क्यूटी पाई कैसे अपनी बड़ी दादी की गोदी में सो रहे हैं, वो कितने क्यूट लग रहे हैं दोनों। चलिए मैं आपको अपनी परी का रिएक्शन दिखाती हूँ जब मैंने उन्हें बताया कि उनकी नानी माँ आने वाली है, तो वो देखिए कितनी खुश थी, कितनी एक्साइटेड थी। ये मैं आपको बता नहीं सकती, आप देख सकते हो इसको देख के कितनी खुश है अपनी नानी से मिलने के लिए। ऑब्वियसली परी के लिए गिफ्ट्स आ रहे हैं नानी के घर से। वहाँ पूजा था, उसकी तैयारी हम लोग कर रहे हैं क्योंकि बेबी के होने के बाद कुआं पूजन की रस्म भी होती है जो आप सबके यहाँ होती होगी। कि जो कुआं पूजन की रस्म होती है, बड़े शहरों में तो कुएं मिलना इतना आसान नहीं होता है, छोटे शहरों में तो मिल जाते हैं, गाँव में भी आपको कुएं मिल जाएंगे, लेकिन बड़े शहरों में पूजा करने के लिए हमें एक अलग सी रस्म करनी पड़ती है, जो मैं आज आपको दिखा रही हूँ कि हम घर पे ही कैसे कुआं पूजन की रस्म करते हैं। ये देखिए, क्योंकि अब हमें कुएँ तो मिलेंगे नहीं, तो फिर हम लोग इस नल में ही पूजा करते हैं। एक्चुअली जो कुआं पूजन का जो फंक्शन था वो दीदी के ससुराल में होना था और काफ़ी अच्छा फंक्शन होना था, लेकिन डॉक्टर ने अभी उन्हें ट्रैवल करने से मना किया है, तो हम लोगों को यहीं पे करना पड़ा। क्योंकि आपको भी मालूम है कुआं पूजन की रस्म होती है, बहुत बड़ी रस्म होती है, सभी रिलेटिव्स को बुलाया जाता है, लेकिन फिर हमको ये रस्म शॉर्ट में करनी पड़ी। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़।